हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ व्हाट्स इन माय बैग। मैं अपने बैग में क्या क्या चीजें कैरी करती हूँ। आज की जो वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने पर्स में क्या क्या कैरी करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मेरे दो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे अपने पर्स में चीजें कैरी करनी होती हैं। और जैसे कि मैं ज्यादातर बाइक पर ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाइक है, तो मैं बाइक पर ही सफर करती हूँ। तो उस हिसाब से मुझे अपने पर्स में क्या क्या चीजें कैरी करनी होती है, ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा बैग और उस पर एक बहुत ही क्यूट सी गर्ल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये बैग मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। इससे पहले मेरे पास एक ब्राउन कलर का बैग था, तो वो काफी पुराना हो गया था। तो मेरी मॉम ने मुझे ये वाला बैग गिफ्ट किया है, आप देख सकते हैं। काफी बड़ा बैग है ये, और इसमें आप ड्रेस भी इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर कोई ड्रेस वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी कैरी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास दो बच्चे भी हैं, तो मुझे उनके हिसाब से भी इसमें चीजें कैरी करनी होती है, इसलिए मैं ये इतना बड़ा बैग रखती हूँ। और जो कि काफी ईजी हो जाता है मुझे हैंडल करना, पकड़ना, इसे काफी ईजी हो जाता है कैरी करना। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीजें कैरी करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आप क्यूट सा बैग देख रहे हैं, ये मेरा लकी पर्स है। और इसमें मैं सभी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या जो भी मेरे कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स वगैरह, तो वो मैं इसमें रखती हूँ। और कुछ खुले पैसे भी, मतलब छुट्टा जो होता है, वो भी रखती हूँ इसमें। तो ये काफी लकी पर्स है मेरा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बच्चों के हिसाब से चीजें कैरी करनी होती है, तो मैं रखती हूँ बेबी वाइप्स। तो ये कुछ वेट वाइप्स हैं, ये कैरी करती हूँ मैं। और कुछ टिश्यू पेपर्स, एक ये मेरी बेटी की ड्रेस, अगर मैं कहीं ज्यादा देर के लिए जा रही हूँ या कभी अचानक जाना भी पड़ जाए, अगर मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, तो मैं अपनी बेटी की ड्रेस एक जरूर कैरी करती हूँ इसमें। और बेटा मेरा भी थोड़ा बड़ा है, तो वो मैनेज कर लेता है। बेटी की ड्रेस जरूरी होती है, वो थोड़ी छोटी है, हालांकि वो बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी गंदे नहीं करती है कपड़े, बट फिर भी इन केस कुछ ऐसी मौसम खराब हो जाए, बारिश हो जाए, तो इसलिए मैं अपनी बेटी की ड्रेस को भी रखती हूँ। साथ में एक चीज और मैं रखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, ये भी कैरी करती हूँ। क्योंकि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो अचानक से कुछ राज को कुछ ऐसा काम याद आ जाए, या कुछ भी डॉक्यूमेंट का कुछ काम आ जाए, या कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ जाए, तो इसलिए मैं इसे कैरी करती हूँ। सेकंड, मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं मेकअप के लिए क्या क्या रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बॉक्स, इसमें कुछ मेरी बेटी के, यानी कि मिष्टी के कुछ बेबी क्लिप्स वगैरह हैं, मेरी बेटी की जो हेयर क्लिप्स वगैरह होते हैं वो हैं इसमें। तो इसमें कुछ मेरी बेटी की हेयर पिंस वगैरह हैं, और कुछ मेरे स्टड्स हैं, कुछ छोटी रबर बैंड है। तो ये कुछ चीजें मैं इसमें कैरी करती हूँ। बैंगल्स का सेट मैं जरूर रखती हूँ। आप सोचेंगे कि ये कौन रखता है भाई, क्योंकि ज्यादातर मेरे रिलेटिव्स गांव में भी हैं, तो कभी अचानक से अगर कभी राज की फैमिली मेंबर से कभी मिलने के लिए जाना पड़ जाए, तो वो कहते हैं कि खाली हाथ है। और गांव में अगर आप रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गांव में बहुएं जो होती है, मतलब, तो उनको मना करते हैं कि खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, हाथों में कुछ ना कुछ चूड़ी वगैरह या बैंगल्स वगैरह ऐसे कड़े वगैरह कुछ होना चाहिए। वैसे तो मैं डालकर ही जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो बाहर कुछ ब्रेसलेट वगैरह या मतलब कुछ भी पहनकर जाती हूँ मैं, चूड़ियां वगैरह। बट अगर नहीं होता है, इनकेस मुझे डाउट है कि, तो मैं ये रखती हूँ, क्योंकि काफी अच्छी बैंगल्स हैं। और मुझे ये राखी पर गिफ्ट मिली है, इससे पहले भी मेरे पास एक मल्टी कलर में भी है मेरे पास इस तरह का सेट, और ये गोल्डन में है। गोल्डन आपकी हर एक ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से मैच होता है। तो ये मैं बैंगल सेट रखती हूँ अपने पास। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ मेकअप की। तो मेकअप में मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ यहाँ पर पॉन्ड्स बीबी क्रीम, ये मेरे पर्स में ऑलवेज रहती है, इसी से ही मैं मेकअप करना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी आप इससे मेकअप कर सकते हैं। वैसे मैं मेबेलिन फिट में फाउंडेशन भी रखती हूँ, और बट ये मेरे पर्स में हमेशा रहती है और बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है, काफी अच्छा आपको कवरेज भी दे देती है कम टाइम में, तो इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। और कंसीलर की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी एक बीबी क्रीम है, आप जानते ही हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैरी करती हूँ, ये है हुडा ब्यूटी का मिनी पैलेट, और ये कुछ इस तरह से है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे शेड्स हैं, इसमें पर्पल है, पिंक कलर का शेड है, और पिंक और रेड कलर एक ऐसा शेड होता है जो आपकी हर एक ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे गोल्डन शेड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, देखिए थोड़ा ये गोल्डन और कॉपर शेड है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंक कलर का जो इसमें शेड है, आप इसको एज अ ब्लश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शिमर शेड भी है, और ये जो व्हाइट शेड आप इसमें देख रहे हैं, इसको आप एज अ हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉइज आ रही है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और ये जो लाइट शेड है, इसे आप एज अ हाईलाइटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इस शेड को आप, ये जो बरगंडी कलर का शेड है इसे भी आप, ये कुछ ब्राउन सा और मैरूनिश सा शेड है तो आप इसे कंटूरिंग भी कर सकते हैं। तो इस मिनी पैलेट में काफी सारे शेड्स हैं, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं अपने पर्स में, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें एक मिरर भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसे मैं कैरी करती हूँ। काफी पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है और बजट फ्रेंडली तो ये है ही, तो ये मुझे बहुत पसंद है पैलेट। नेक्स्ट मैं अपने पर्स में रखती हूँ ये बेबी लिप्स का लिप बाम है, इसकी भी जरूरत काफी पड़ जाती है आपको, और ये काफी अच्छा लिप बाम है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा कलर भी देता है आपके लिप्स पर, एक नेचुरल पिंक कलर का शेड देता है तो काफी अच्छा कलर देता है। नेक्स्ट मैं एक ये बुलेट लिपस्टिक रखती हूँ, ये एलेटिन की लिपस्टिक है और जो मेरा शेड है वो है P23। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, इसे भी मैं कैरी करती हूँ। साथ में एक लिपस्टिक मैं और रखती हूँ, ये आप मरून कलर की लिपस्टिक देख रहे हैं, किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है, ये मैं जरूर रखती हूँ और ये मरूनिश कलर है, ये देखिए कुछ रेड और मैरून सा कलर है, तो ये मैं कैरी करती हूँ क्योंकि इससे मैं सिंदूर वगैरह भी इजिली लगा लेती हूँ और इसे आप लिपस्टिक की तरह तो लगा ही सकते हैं ऑफकोर्स। नेक्स्ट मैं एक और लिपस्टिक रखती हूँ, ये है एडीएस की पिंक लिपस्टिक है, ये भी लिक्विड लिपस्टिक है, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी लिपस्टिक है, एक है पिंक कलर और एक है ये मैरून कलर, ये दोनों ही शेड ऐसे हैं जो आपकी हर एक ड्रेस के साथ अच्छे से जाते हैं, तो ये मैं दो कलर जरूर रखती हूँ। एक है ये मेरे पास लिप लाइनर और ये है ली का लिप लाइनर, गाइस ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है, तो प्लीज आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मैंने नॉर्मल मार्केट से ही परचेज किया था, बहुत अच्छा लिप लाइनर है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, बहुत ही पिगमेंटेड भी है, बहुत इजिली आपके लिप्स पर, आप इसे लिपस्टिक की तरह भी लगा सकते हैं, आप इसे चाहे तो आई शेडो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ ही 20 रुपीज में, और इतना अच्छा लिप लाइनर है। ली के मैंने एक दो प्रोडक्ट और भी यूज किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मैं एक और चीज कैरी करती हूँ, ये है स्पूली आईब्रो पेंसिल, ये जरूर मैं रखती हूँ, ये कैमलिन की पेंसिल है, ये मैं इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ब्रश भी है, तो इससे आप अपनी आईब्रोज को कॉम भी कर सकते हैं, इजिली सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज रखती हूँ, ये है फेसिस कैनेडा का काजल, इसे आप काजल की तरह भी लगा सकते हैं, इसे आप अगर स्मोकी आई लुक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और आईलाइनर भी लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा काजल है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्पंज प्रूफ है, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छा एक काजल है, इसे मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, आपके पास ये तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा काजल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको आई शेडो तो दिखा दिया है लेकिन मैं आई शेडो को लगाऊंगी किससे, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं कि कोई ब्रश वगैरह, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी, ये एक फ्लैट ब्रश है, ये देखिए, तो इसे मैं जरूर रखती हूँ गाइज, ये बहुत ही काम का ब्रश है, आपको अगर आपके पास ये वाला ब्रश है ना तो आपको और कोई ब्रश रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, एटलीस्ट फॉर मी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो मुझे ये ब्रश बहुत ज्यादा पसंद है, इसे आप अपनी आईब्रोज को बहुत इजिली फिल कर सकते हैं, ये देखिए शेप देते हुए सबसे अच्छी बात है, आप फील कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को, उसके बाद आप इससे आई शेडो भी लगा सकते हैं, शिमर आई शेडो भी लगा सकते हैं और ग्लिटर आई शेडो भी लगा सकते हैं, बहुत ही काम का ब्रश है, आप इसे अपनी आईब्रोज को आउटर वी पर अपनी आईज के शेप देते हुए आई शेडो को लगा सकते हैं, तो बहुत ही काम का ब्रश है और इतने सारे काम ले सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो इसे अपने फेस की कंटूरिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद मैं रखती हूँ यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई लैशेज को बहुत अच्छी लेंथ देता है गाइस, और वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और जल्दी से आंखों से निकलता नहीं है, और बहुत ही पसंद है मुझे ये वाला मस्कारा। वैसे इस मस्कारे के हैक्स भी मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 3 मेकअप प्रोडक्ट चैलेंज अपने चैनल पर शेयर किया था, जिसमें मैंने मेबलिन के मस्कारे से आईलाइनर भी लगाया था, क्योंकि आईलाइनर भी आपको वाटर प्रूफ ही चाहिए होता है जब आप बाहर जाते हैं, अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप अपना आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, ये है ली का ही नेल पेंट है, आप देख सकते हैं काफी लग्जीरियस पैकेजिंग है इसकी, काफी क्यूट सी पैकेजिंग है, फूशिया पिंक कलर है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा जो शेड है ये है 30। नेक्स्ट मैं एक और चीज कैरी करती हूँ, ये है मेकअप फिक्सर, ये देखिए गाइस ये मेकअप फिक्सर बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे मैं शिमर आई शेडो बहुत अच्छे से लगा पाती हूँ और काफी देर तक शिमर्स जो होते हैं आपकी आईज पर स्टिक हो जाते हैं और टिके रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मेकअप पसीना आ रहा तो बह जाएगा, बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे ही रखती हूँ। उसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन भी रखती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं एक और चीज जो सबसे जरूरी है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर, मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मैं जरूर कैरी करती हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक मिरर भी है तो ये कैरी करती हूँ। और एक मैं यहाँ पर लगाती हूँ सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन भी मेरे बैग में रहता ही है। और मैं बता दूं कि एक रबर बैंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत है और रबर बैंड मैं जरूर रखती हूँ अपने पर्स में।
और मैं क्लचर वगैरह भी रखती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, कब मुझे बन बनाना पड़ जाए या कब इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं क्लचर भी रखती हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर चार्जर वगैरह भी रखती हूँ, ईयरफोन भी रखती हूँ, बट अभी कहीं बाहर जाना नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। चार्जर जो अभी रूम में लगा हुआ है वो सब चीजें भी मैं अपने पर्स में कैरी करती हूँ। और मैं अपने पर्स में रखती हूँ एक पेन, पेन की भी जरूरत कब पड़ जाए पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा मैं नोटपैड भी रखती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ नोट करना पड़ जाए या कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रखना चाहिए। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हैंड सैनिटाइजर, ये जरूर रखती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बाहर कुछ खाते हैं पीते हैं तो हैंड सैनिटाइजर तो होना ही चाहिए आपके बैग। और वैसे आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने आपको पानी की बोतल वगैरह तो दिखाई नहीं है क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर जा नहीं रही थी। वैसे मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो पानी की बोतल, एक बड़ी पानी की बोतल मैं जरूर कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे ही पता है मेरे साथ बच्चे और गर्मी बहुत है तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ पानी की बोतल वगैरह। साथ में मैं एक पेपर बैग भी रखती हूँ ताकि बच्चे ऐसा कुछ भी खाए पिए तो उसमें जो भी वेस्टेज होती है ताकि उसमें रख सके। तो ये सब चीजें मैं भी कैरी करती हूँ। और मैंने बाइक पर स्पेशल इसके लिए बॉक्स भी लगवा रखा है ताकि कुछ अगर एक्स्ट्रा सामान हो तो मैं उसमें रख सकूँ और पानी की बोतल मैं उसी में रखती हूँ। तो बस यही चीजें मैं सब अपने पर्स में कैरी करती हूँ गाइज। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्स में कुछ रखना भूल गई हूँ, कुछ मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे ये पर्स में क्या चीज रखनी चाहिए और क्या चीज नहीं रखनी चाहिए, ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।